हाय गाइस, वेलकम टू यूनिक हिट्स। गाइस, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट 5 गेमिंग माउस अंडर 2000 रुपीज़। थंबनेल देखे तो वैसे आपको पता चल ही गया होगा, तो इस वीडियो को शुरू से तक ज़रूर देखना, आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ पता चलने वाला है। और ये वाला माउस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा या अनबॉक्सिंग नहीं देखी, कार्ड में लिंक डाल दूंगा, इधर आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा, तो आप उधर से जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कौन सा माउस अच्छा और कौन सा माउस नहीं अच्छा। और 5 माउस इसके अंदर आपको बताए हैं मैंने, जो कि मेरे ओपिनियन से बहुत अच्छे लगे मुझे, और आप उनको बाय कर सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो, मैं अपने पीसी की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और इधर आके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जल्दी से क्रोम खोलते हैं, 3, 2, 1 बूम। तो गाइस, ये है हमारा फर्स्ट माउस, जो कि है यार जिंक टेक्नोलॉजीज की तरफ से 1070 32 DPI LED, और बैकलाइट, 6 बटन, USB और 6 प्रोग्रामेबल आपके इसके अंदर बटन मिल जाते हैं। और ये सिर्फ 300 रुपये का माउस है, और इसके अंदर आपको LEDs का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और 7 कलर 7 डिफरेंट कलर RGB का सपोर्ट भी है भैया इसके अंदर। तो आप इसको बाय कर सकते हो, और काफ़ी मतलब सस्ता माउस है। और ये भी देख सकते हो आप, इसके अंदर साइड बटन्स भी दिए गए हैं। और मैं बताऊँ, जो ये वाला मेरे पास माउस था यार, मैं माइक बोली जा रहा हूँ, तो ये जो मेरे पास माउस था ना, तो ये इससे महंगा था, और इसके अंदर ना कोई साइड बटन है और ना कुछ है, LED भी सिर्फ यही वाली है सिंपल, और सिर्फ एक ये वाला DPI बटन है, और कुछ भी नहीं है भैया इसमें, सिर्फ LED के पैसे लिए हैं। और इसके अंदर आपको LED भी देखने को मिल जाती है, DPI लेवल भी है, मैट फिनिश भी है साथ में, और साइड बटन भी दिए गए हैं। और माउस के अंदर चाहिए क्या आपको, ये वाला माउस मैंने 500 या 600 का लिया था, और रेड कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, तो काफ़ी अच्छा माउस है। अगर आपको बाय करना है, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट। तो काफ़ी अच्छा माउस है ये वाला, तो आप बाय कर सकते हो इसको। और आपको अगर इसकी कस्टमर रेटिंग दिखाऊँ, तो इसकी 5% भी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग है, और 58% है 5% पे रेटिंग, तो आप बाय कर सकते हो इसको, काफ़ी अच्छा है, इसकी जो 5 स्टार है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो अभी दूसरा माउस हम ओपन करते हैं अपना, इन 3, 2 एंड 1 गो। तो ये है हमारा नेक्स्ट माउस, जो कि है रेड गेट ड्रैगन वॉर। ये वाला जो माउस है, ये काफ़ी कलर्स में अवेलेबल है, डार्क ब्लू और डार्क ब्लैक में अवेलेबल है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। मेरा भी यही था, डार्क ड्रैगन वॉर ही था, पर मेरा अलग है उससे, ये इससे छोटा वाला मॉडल है, और ये जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल है इसका, रेड गियर का ये भी। और इसके साथ भी आपको इधर बटन देखने को मिल जाते हैं 2, और काफ़ी अच्छे सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। मेरा भी 3200 DPI वाला है, आगे दिखाऊंगा मैं, इसके अंदर मैंने किया हुआ है, तो ये इसकी आप वीडियो भी देख सकते हो अगर देखते हो तो, और साइड से व्यू कुछ ऐसा सा इसका, और काफ़ी अच्छा माउस है ये भी। और मेरा मन तो ये था लेने का, पर ये उस टाइम आउट ऑफ स्टॉक चला गया, तो मैं इस वाले माउस के साथ चला गया। और अभी हम अपना नेक्स्ट माउस ओपन करते हैं, सो लेट्स गो। तो ये है हमारा सेकंड माउस, जो कि है M-Tech की तरफ से आने वाला ईवो बॉक्स फैंटम वायर्ड गेमिंग माउस विद 4 कलर साइकिल स्विचिंग, 7 प्रोग्रामेबल मैक्रोस बटन्स, और 4800 DPI सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, और आपको इसके साथ एक ड्राइवर भी देखने को मिल जाएगा। और ये देखो कितना सही लग रहा है ना ऐसे। और M-Tech, जिनको नहीं पता, तो एक ये ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, जो कि मतलब गेम पैड्स भी बनाता है, और मेरे पास वो उधर पड़ा भी हुआ है, अगर आपको दिखे तो जूम मार दूंगा मैं, तो मेरे पास है भी, और मैं उसको कभी कभी बारी VR मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं उसको गेम्स खेलने में यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके साथ आपको एक ड्राइवर भी देखने को मिल जाता है,
ऐसे ड्राइवर की तो अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसे ही चल जाता है, प्लग इन प्ले होता सब कुछ। और बहुत काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है ये माउस, और ठीक है 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। और अगर आपको मतलब ख़राब हो जाए तो आप व्हाट्सएप इनको कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस माउस के रिगार्डिंग। और ये भी काफ़ी अच्छी LED, और LED काफ़ी सही से आती है। और इसकी सॉफ्टवेयर है इसका www.mtech.com EvoFocus करके, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास ये वाला है। और 4800 DPI भैया, कसम से 12x4 हो गया भैया। और अभी आप नेक्स्ट माउस पे लेके चलता हूँ, सिलेक्ट को, वो है हमारा ड्रैगन वॉर ELE G9 थॉर वायर्ड ब्लू ट्रैक एंड ब्लू सेंसर गेमिंग माउस विद मैक्रो फंक्शन एंड विद माउस पैड। तो इसके साथ मुझे माउस पैड भी मिला था अगर मैं दिखाऊँ तो, और ये मैंने थोड़े सा ना केबल मैनेजमेंट के चक्कर में आके फाड़ दिया था, और बुरा लगा था जब फटा, पर कोई बात नहीं, चलो मेरा काम चल जाता फिर भी। और ये माउस जब मैंने लिया था तब मैंने लिया था 1200 रुपये का, 1200 या 1250 रुपये का लिया था, ऑर्डर विद इन 25 मिनट लगा, 25 मिनट में आ जाएगा सॉरी। और ये ड्रैगन वॉर सेम मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, चाहे आप देख सकते हो ये वाला सेम माउस है, और आपको RGB का भी इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा माउस है ये वाला। और थॉर भी ही है, थॉर भैया हमारे इसके साथ, और काफ़ी अच्छा है ये माउस। अगर आपको रिव्यू देखना है इस माउस का तो कार्ड में लिंक है, जाके देख सकते। तो अभी ये कुछ ऐसा सा माउस था, काफ़ी अच्छा माउस है ये वाला, और इसके अंदर आपको 3200 DPI देखने को मिल जाती है। तो ये छोटा सा कौन लगा मुझे, और उस ये जो M-Tech वाला था उसके अंदर हमें 4800 DPI देखने को मिल जाती थी, तो ये थोड़ा सा है, फिर से इनको DPI इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये हमारा लास्ट माउस है जो कि HP का G360 गेमिंग माउस, और HP काफ़ी हद तक थ्रस्टेबल ब्रांड है, और मेरा फर्स्ट माउस जो गेमिंग माउस था वो भी HP का ही था, अभी भी चल रहा है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा थोड़ी देर तक। तो इसके साइड में RGB आपको मिल जाती है, और इधर बटन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और कितना सही लग रहा है ना, काफ़ी क्लासी लुक है इसकी, और आप बाय कर सकते हो इसको। और इसके साथ आपको ग्रिप भी देखने मिल जाती है इधर, और सबसे अच्छी बात है इधर मैश भी लगी हुई है एयर फ्लो के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और मेरे वाला जो ये वाला माउस है, अभी यार रिकॉर्डिंग बंद ना हो गई, इसके अंदर मैश भी नहीं दी गई, और इस माउस में मैश भी दी गई है जिससे ये एयर फ्लो इसका बनता रहे और ये ख़राब ना हो। बस ये माउस में एक ही दिक्कत है कि इनके अंदर जो ये वाला बटन होता है ये नहीं दिया गया, तो जैसे हम डबल क्लिक करते हैं ना इससे, बस इसका ये फ़ायदा कि इसे एक क्लिक में वो खुल जाता है कोई भी, अगर हमने ऐप खोलना हो तो बस एक क्लिक करो, और जो वाला M-Tech वाला गलती से मेरे से खुल गया था ना, वो मैंने इससे क्लिक मार दिया था, जैसे दिखाऊं तो आपको मुझे दिखूंगा नहीं, पता नहीं ऐसे ही कुछ, पता नहीं यार, पता नहीं तुक्का लगा कि क्या लगा, आई डोंट। तो अभी मैं आपको अपने सेटअप पे जाके मिलता हूँ, सो लेट्स गो। तो गाइस जैसे आपने देखी वीडियो, आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। और सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, जिन जो लोग M-Tech को नहीं जानते वो गेम कंट्रोलर्स बनाते हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी सी बनाते हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये सेम PlayStation 4 वाला कंट्रोलर जैसा है, सेम ऐसे ही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसके काफ़ी सारे VR गेम्स खेलते हैं क्योंकि मेरे पास VR पड़ा हुआ है, तो ये काफ़ी थ्रस्ट फैक्टर था मेरे पास, और ये मुझे कम से कम 1.5 साल हो गया इसको यूज़ करते हुए, कोई दिक्कत नहीं आई। और वैसे इसको मैं यूज़ भी बहुत कम करता हूँ। और जो मेरा ये वाला माउस है ड्रैगन वॉर थॉर वाला, इसको भी 1.5 ईयर हो चुका जब मैंने इसको बाय किया था, काफ़ी अच्छा माउस था। और फिर हमारे पास आता है हमारा HP का माउस, और बस इसके अंदर यही प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर साइड वाले बटन नहीं है, कोई भी इसके अंदर
बटन नहीं है अच्छा सा, सिर्फ एक DPI बटन है और सिर्फ एक ये वाला बटन है और कोई बटन नहीं है इसके अंदर। और बस इसकी ये वाली RGB जो लाइट है इसके पैसे लिए हुए हैं, तो आपको चला के दिखा एक मिनट, बस ओनली वन मिनट। अबे लग जाए यार, है लगती नहीं है, सॉरी। वो देखो डिटेक्ट कर लिया पीसी ने में, अबे रेड रेड हो गया। तो ये कुछ ऐसे से इसकी अभी चेंज होगी लाइट, जैसे ब्लू हो गया अभी, तो ये देखो कलर्स चेंज हो रहे हैं इसके, अभी ये कुछ रेड सा कलर हो चुका है इसका, अगर आपको दिख रहा हो तो अभी ग्रीन हो चुका है ये। तो ये काफ़ी अच्छा माउस था और इसके आप DPI सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। और अब मैं ये दोनों माउस से गेम खेलने वाला हूँ, एक ये वाले माउस से और एक ये वाले माउस से। काफ़ी अब मैंने इसके अंदर भी माउस है, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा हो इधर एक माउस का भी ऑप्शन है, तो उस पर आप क्लिक करते हो तो माउस आ जाता है। अगर आपने इसका भी नहीं रिव्यू देखा ना, इसका देखा ना, कार्ड में दोनों के लिंक डाल दिए मैंने, जाके देख लो। कार्ड में नहीं डाले ना तो पक्का डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, जाके देख सकते हो। तो यही थी गाइस आज की कुछ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एज ऑलवेज गेम ऑन एंड कीप हसलिंग बसलिंग। बाय बाय।